नमस्कार दोस्तों स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। so, है। सो इंडिया इंडिया एक पर हमने पिछले 30 से 35 दिन के अंदर-अंदर पे टेस्ट कर दी है। missile जो India ने यहाँ टेस्ट की है दैट गोज बाय द नेम ऑफ संथ मिसाइल एस ए एन टी मिसाइल इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये संथ मिसाइल इंडिया की कौन सी मिसाइल सीरीज का पार्ट है एंड व्हाट आर दी एक्सक्लूसिव केपेबिलिटीज जो कि केवल संत मिसाइल में फिलहाल पाई गई हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ मेरा नाम है अनिरुद्ध इस लेक्चर की पीडीएफ को यदि आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम और ट्विटर के ऊपर स्टडी आई की ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना ना भूलें एंड ऑन दिस ऐप फिलहाल चल रही है नवरात्रि सेल जिसके चलते आप हर स्मार्ट कोर्स के ऊपर का एक्स्ट्रा डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी डो नॉट फोरगेट टू बाय दिस कोर्स पास्ट ईयर प्रिलिम्स डिस्कशन जिसमें हमने पिछले दस साल के पेपर्स को सब्जेक्ट वाइज एनालाइज कर रखा है संत मिसाइल की फुल फॉर्म है स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल एस स्टैंड बाद एंटी से ए और एन लिया गया है फिर टैंक से टी लिया गया है राइट right, इस पर्टिकुलर मिसाइल की टेस्टिंग हुई थी ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा जो हमारी रेंज है चांदीपुर में वहां से इस पर्टिकुलर मिसाइल की टेस्टिंग करवाई गई थी नाउ इंपॉर्टेंट टू नोट कि जब इसकी टेस्ट फायरिंग हुई थी तो असल में ये एक ग्राउंड लॉन्चर से हुआ था ये काफी इंपॉर्टेंट है आगे जाके इसकी हम अहमियत की बात करेंगे संत मिसाइल इमारत in collaboration with the Indian Air Force. Comment section में आपको हमें बताना है डी आर डी ओ का रिसर्च सेंटर इमारत इंडिया में लोकेटेड है। खैर, वी मूव फॉरवर्ड सबसे पहले काफी बड़ी कंफ्यूजन हो रही होगी बच्चों को कि वॉट एग्जैक्टली इज दिस संत मिसाइल किस पर्टिकुलर सीरीज का ये हिस्सा है हम उसकी बात कर लेते हैं नाउ बारे में कई right? सारे वेरिएंट्स हैं और ये जो वेरिएंट्स हैं ये बेसिकली डिपेंड करते हैं लॉन्च टाइप से कि यानी कि क्या आप उसको लैंड से लॉन्च कर रहे हैं क्या आप उसको किसी टैंक से लॉन्च कर रहे हैं क्या आप उसको किसी हेलीकॉप्टर से लॉन्च कर रहे हैं या फिर क्या आप उसको किसी एयरक्राफ्ट से लॉन्च कर रहे हैं डिपेंडिंग ऑन दैट हर मिसाइल की जो रेंज है वो अलग अलग है सो द रेंज कैन बी बिटवीन 500 हंड्रेड मीटर एंड ट्वेंटी किलोमीटर्स अभी तक नाग के कुल मिला के फाइव वेरियंट हैं जो कि अंडर डेवलपमेंट है एक सबसे सिंपल वाला लैंड वर्जन है जो कि मास्ट माउंटेड सिस्टम के लिए बनाया गया है एक है हेलीकॉप्टर लॉन्च नाग जिसको हम हेलीना के नाम से जानते हैं version, GM, version, नाग carrier, नामिका, जो कि टैंक बस्टर यानी कि टैंक के ऊपर से लॉन्च होती है नामिका को लेके हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई थी जस्ट अ कपल ऑफ मंथ्स अगो आप उसको देख सकते हैं इंडिया ने नामिका को रिप्लेस करते हुए नामिका टू यहां पे लेके आई है जिसकी कैपेबिलिटीज़ काफी ज्यादा हैं एज कंपेयर टू नामिका नाउ संत बेसिकली कुछ नहीं है, है. So, है, है उसी का सेम अपग्रेडेशन है जो कि संत मिसाइल में दिया गया हेलिना क्या हेलिना एज यू कैन सी हेलीकॉप्टर बेस्ड नाग इज अ थर्ड जनरेशन फायर एंड फॉरगेट क्लास एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो कि एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर के ऊपर माउंट होती है इस पर्टिकुलर दृश्य में आप देख सकते हैं ये वाली जो मिसाइल यहां पे देख रहे हैं ये हेलीना मिसाइल है दिस इज दी एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर विच इज डेवलप्ड बाय इंडिया और इसके ऊपर इसको माउंट किया जाता है नाउ हेलीना मिसाइल की जो रेंज है दैट इज सेवन टू एट किलोमीटर ठीक है लेकिन संत की रेंज इससे ज्यादा है संत की रेंज इससे ज्यादा है एंड इट इज अप्रोक्सिमेटली टेन किलोमीटर मोर इंपॉर्टेंटली इट कम्स इक्विप्ड विद नोज माउंटेड एक्टिव रेडार सीकर एनेबलिंग द लॉन्च प्लेटफॉर्म टू बी लोकेटेड एट अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द टारगेट एरिया इस पर्टिकुलर सेकंड सेंटेंस की डिस्कशन भी हम आगे जाके करेंगे फिलहाल केवल इतना समझ लीजिए कि हेलीना मिसाइल से इस पर्टिकुलर मिसाइल की जो रेंज है वो काफी ज्यादा है विच इज अज ह्यूज डेवलपमेंट आपको लग रहा होगा दो किलोमीटर से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता बट एक्चुअली काफी बड़ी ये डेवलपमेंट है इसको हम आगे जाके समझेंगे और इसका लेना देना इस पर्टिकुलर सेकेंड स्टेटमेंट के साथ है राइट सो नाउ वी हैव अंडरस्टूड कि नाउरस्ट एक्टली exactly है क्या ये हेलिना का एक अपग्रेडेड वर्जन है नाउ संत को जो अभी टेस्ट किया गया था आई टोल्ड यू इन द बिगनिंग वो एक ग्राउंड बेस्ड लॉन्चर से टेस्ट किया गया था लेकिन संत के जो असली टेस्ट होने वाले हैं ये होने वाले हैं दो महीने के बाद दैट इज समवेयर इन दिसंबर और दिसंबर में इसके आठ से दस टेस्ट किए जाएंगे फ्रॉम हेलीकॉप्टर लॉन्चेस एंड वास्त इक्कीस में इस पर्टिकुलर मिसाइल को इंडक्ट किया जाएगा एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट इसके जो लॉन्चेज है ये किए जाएंगे एम आई थर्टी फाइव हेलीकॉप्टर से जो रशिया का द्वारा दिया गया हेलीकॉप्टर है हमें उस पर्टिकुलर हेलीकॉप्टर में इसको इंक्लूड किया जाएगा एंड फ्रॉम देयर दे विल बी टेस्टेड एट टू टेन टाइम्स ठीक है नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर जिसकी वजह से संत काफी इंपॉर्टेंट बन जाती है एंड नॉट ओनली इंपॉर्टेंट काफी यूनिक बन जाती है काफी एक्सक्लूसिव बन जाती है दैट इज द लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च फीचर ऑफ द संत मिसाइल देखिए जो नॉर्मल मिसाइल्स होती हैं वो कैसे काम करती हैं नाग की जितनी भी मिसाइल्स इंडिया ने अभी तक बनाई हैं उनमें जो फीचर है दैट इज लॉक ऑन बिफोर लॉन्च ठीक है एल ओ बी एल इसको कहा जाता है लॉक ऑन बिफोर लॉन्च फीचर इसकी क्या कमी है लॉक ऑन बिफोर लॉन्च में क्या होता है कि मिसाइल ऑपरेटर वो पहले आइडेंटिफाई करते हैं एनिमी को पहले आइडेंटिफाई करते हैं टारगेट को एंड उसके बाद इस पर्टिकुलर टारगेट को आइडेंटिफाई करने के बाद वंस द टारगेट हैज बीन लोकेटेड थर्मल रेफरेंस इमेज ऑफ द एनिमी टैंक इज कैप्चर्ड एंड अपलोडेड ऑन टू नाग्स सीकर सिस्टम सो नाग का जो सीकर सिस्टम है जो उसका रेडार सिस्टम है उसमें आपने उसको डाल दिया एंड देन आप नाग को फायर कर देते हैं यानी कि आपने एनिमी को पहले ही आइडेंटिफाई किया then you uploaded something into it then आपकी मिसाइल उस एनिमी को लोकेट करती है मिसाइल फिर लॉन्च कर दी जाती है ठीक है और मान लीजिए आपका एनिमी थोड़ा सा मूव कर जाता है उस केस में जो मिसाइल ऑपरेटर्स हैं उसको वहाँ पर मिसाइल में वैसे ही कोऑर्डिनेट्स को चेंज करना होगा दे नीड टू कंटिन्यू टू कैप्चर द टारगेट इमेजेस कंटीन्यूअसली क्रॉस चेकिंग देम विद द रेफरेंस इमेज ठीक है सो so दैट जो आपकी मिसाइल है वो एग्जैक्टली exactly सही टारगेट पे जाके लग जाए ऑब्वियसली यहाँ पर आप जो मिसाइल है उसके ओरिजिनल पाथ से उसको डेविएट करवा सकते हैं बट एज अ टोल्ड यू ये काम करवाता कौन है ये काम करवाते हैं मिसाइल ऑपरेटर्स इसका नतीजा क्या निकला इसका नतीजा ये निकलता है कि सबसे पहली बात तो इसमें एक्यूरेसी उतनी नहीं आ पाती क्योंकि कई बार जो एनिमी है वो अपने आप को बचाने के लिए कई सारी ऐसी चीज़ें करता है कि मिसाइल उसको लोकेट ही नहीं कर पाती सेकेंडली बिकॉज यहाँ पे लॉक ऑन बिफोर लॉन्च हो रहा है इस केस में जो हम हैं खुद जो कि फायर कर रहे हैं मिसाइल को डिफेंसिव फायर से बच नहीं सकते होता क्या है कि जब आपको मिसाइल लॉक ऑन बिफोर लॉन्च के माध्यम से लॉन्च करनी है उस केस में यू हैव टू गो वेरी वेरी क्लोज टू टारगेट तभी जाके आप उसको लॉन्च कर पाते हैं आपको टारगेट को आइडेंटिफाई करना पड़ता है फॉर एग्जाम्पल ये है आपका हेलीकॉप्टर ठीक है और यह है आपका टारगेट सो so, आपको काफी नजदीक आना पड़ता है टारगेट को एग्जैक्टली exactly आइडेंटिफाई करना पड़ता है

टारगेट यदि यहाँ पे है तब जाके वो फायर कर सकता है अभी क्या है हेलीकॉप्टर काफी दूर से फायर कर सकता है हेलीकॉप्टर पर है और टारगेट यहाँ पर है हेलीकॉप्टर को एक जनरल डायरेक्शन में फायर करना है हेलीकॉप्टर यहाँ भी कर सकता है यहां भी फायर कर सकता है वो मिसाइल ऑटोमेटिकली इस पर्टिकुलर एरिया को लोकेट करेगी और यहाँ पे टारगेट की डायरेक्शन में जाना शुरू कर देगी दैट इज द ब्यूटी ऑफ लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च जो कि संत मिसाइल में ये िटी प्रोवाइड की गई है सो so, मिसाइल एक बार उसको फायर कर दिया फिर वो खुद से स्कैन करती है बिफोर बिफोर अ अ टारगेट टारगेट फिक्सिंग वो खुद से एक बार स्कैन करती करती है है एरिया को उसको लॉक और अपने फ्लाइट पाथ को उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लेती है सो so, इसके जो भी नुकसान पिछले वाले टॉपिक में हो रहे थे वो यहां पर नुकसान नहीं होंगे बिकॉज नाउ यू डोंट हैव टू बेसिकली आप डिफेंसिव फायर को इवेड कर सकते हैं मिसाइल एक्यूरेसी भी आपको यहां पे गवानी नहीं पड़ेगी और आप इफेक्टिवली शूट एंड स्कूट भी कर सकते हैं एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यू कैन शूट फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ मोर देन टेन किलोमीटर्स इसीलिए संत मिसाइल मानी जा रही है बहुत ही बड़ा अपग्रेड एंड इफ दिस इज डन नॉट ओनली दैट दिस इज एन अपग्रेड इंडिया विल फॉल इन टू एन एलीट क्लास दुनिया में फिलहाल केवल अमेरिकन जावलिन है और इसराइली स्पाइक मिसाइल है दिस इज द अमेरिकन जावलिन दिस इज द इसराइली स्पाइक मिसाइल जिनके पास आज की डेट में ये वाली क्षमता है जो कि संत मिसाइल के पास है सो आई थिंक इट्स अ वेरी बिग डेवलपमेंट जो कि इंडिया में होने वाली है वी कैन ओनली विश की दिसंबर में जो इसके एम आई थर्टी फाइव से लॉन्चेज होने वाले हैं वो सक्सेसफुल हो जाए इसी नोट पर आपसे विदा लेता हूं थैंक यू फॉर लिस्टिंग स्टेट एंड स्टे सेफ